रतमीर दी खोलनोव मिखाइल ताल के साथ खेल रहे थे, खोलनोव खेल रहे हैं वाइट पीसेस के साथ, मिखाइल ताल ब्लैक पीसेस के साथ। मॉस्को में गेम खेला गया था, ब्लिट्स गेम है। खोलनोव ने यहाँ पर e4 से शुरुआत की, c5 मिखाइल ताल की तरफ से। पॉन का यहाँ पर संरक्षण करने के लिए एक घोड़ा निकला, घोड़े पर हमला। कोलमोव ने यहाँ पर हाथी के सामने वाले पॉन्स को यहाँ पर आगे बढ़ाया है। शायद वो सोच रहे होंगे मिखाइल ताल बी फाइल के पॉन को आगे बढ़ाएंगे, तो इसलिए पहले से ही इसका बंदोबस्त कर रहे हैं वो। केंद्र के पॉन पर मिखाइल ताल की नज़र है घोड़े और वज़ीर द्वारा, तो उसका डिफेंस करने कोलमोव ने अपने ऊँट को लगाया। एक और घोड़ा विकसित करते हुए मिखाइल ताल एकदम सेंटर पर जा पहुँचा है। कोलमोव का ये घोड़ा अपने काले वाले ऊँट को मिखाइल ताल अभी नहीं देंगे। इस पॉन पर यहाँ पर खतरा मंडरा रहा था, तो कोलमोव ने उसे एक कदम आगे बढ़ा दिया। डबलिंग अप, मिखाइल ताल का वजीर अब पीछे हटेगा। वजीर पर हमला, खोलमोव के वजीर को भी कहीं ना कहीं लेकर जाना होगा। और ये पॉन देखिए, इसको बचाने के लिए मिखाइल ताल का हाथी दो घोड़े लगे हुए हैं, तो एक घोड़ा पहले सलटाया खोलमोव ने। मिखाइल ताल ने यहाँ पर देखिए उस ऊँट को लिया जो राजा के करीब है। कोलमोव ने वापस इस प्यादे को नहीं लिया, अटैक बनाया है मिखाइल ताल के वजीर पर। मिखाइल ताल का प्यादा भी बहुत खतरनाक होता है, कोलमोव को आने वाले समय में पता चलेगा। इस प्यादे की वजह से ही देखिए यहाँ पर मिखाइल ताल सेकंड रैंक पर अपनी हाथी को लेकर आ पाए हैं। यहाँ इस घोड़े पर हमला है, घोड़े को बचाया गया। बैक रैंक चेकमेट का यहाँ पर एक खतरा हो सकता है, कोलमोव को ऐसा लग रहा है, तो इसी कारण से पॉन्स को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा खतरा कुछ हो सकता है मिखाइल ताल को भी लग रहा है, तो वो भी अपने राजा को थोड़ा सा इधर खसका लिए। घोड़े पर हमला, मिखाइल ताल ने वजीर पर आक्रमण कर दिया है। वजीर भी उल्टा अटैक मिखाइल ताल पर लगा रही है। कोने में आप देखिए, यहाँ जाने की तैयारी है। ये पॉन को बचाया जा रहा है यहाँ पर, इस वाले पॉन को। कोलमोव भी काफ़ी रोचक गेम खेल रहे हैं यहाँ पर, उनका प्यादा भी काफ़ी आगे निकल चुका है। घोड़े पर हमला, ये देखिए बातों ही बातों ने कोलमोव यहाँ पर वज़ीर एक और लेके आने वाले हैं इस बोर्ड पर। क्या दो दो वज़ीर की गेम हो जाएगी यहाँ पर? मिखाइल ताल की गेम है यहाँ पर, अचंभित करने वाले मूव भी मिलते हैं। कोलमोव को कोई डर ही नहीं है, घोड़ा जा रहा है यहाँ पर, हाथी जो ले रहे हैं कोलमोव। लेकिन मिखाइल ताल इतनी आसानी से कोई चीज़ लेते भी नहीं है और देते भी नहीं है। चेक, अगर ये चेक ना होता ये वाला, तो मिखाइल ताल शायद इस वज़ीर को छूते भी नहीं, वो अपने ही कुछ ना कुछ मूव में लगे रहते हैं, चेकमेट ही कर देते हैं। और कोई चारा भी नहीं है खोलमोव के लिए। यहाँ पर देखिए मिखाइल ताल क्या घातक आक्रमण या अटैक लगा रहे हैं यहाँ पर आकर एक चेकमेट देने का, तो उसी डायगोनल को यहाँ पर कवर कर रहे हैं खोलमोव।
इसी डायगनल को ब्लॉक करने की कोशिश मिखाइल ताल द्वारा। यहाँ पर क्या ज़रूरत थी इस घोड़े को लेने की फालतू में? यहाँ पर हुआ क्या कि अगर ये कोई ना कोई और डिफेंस कर लेते, क्योंकि घोड़ा भी वैसे ख़तरनाक हो रहा था ये भी माना है, लेकिन आप अगर सामने के प्यादे, जो दो प्यादे आपको बचा रहे हैं इस गेम में, उनको ही आप नज़रअंदाज कर देंगे, उनको ही आप ऐसे दे देंगे प्रतिद्वंदी को, तो फिर बच के निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मिखाइल ताल खिलाड़ी है पहली बात तो ये, और ऊपर से वजीर और हाथी दोनों सामने खड़े हैं एकदम। चेक, अब बच के जाना बहुत मुश्किल हो रहा है खोलमोव के लिए। और ये चेकमेट,